नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अब 2 दिन का समय बाकी है और चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में ही सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सियासी दलों के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार के लिए गुजरात में डेरा डाला हुआ है और गुजरात चुनाव का पहला चरण का ही चुनाव प्रचार 29 नवम्बर को थम जाएगा। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सौराष्ट्र में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में धुआंधार प्रचार करेंगे। पीएम मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में सोमवार को ही सौराष्ट्र में धुआंधार 4 रैलियां करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर में पाली ताड़ा विधानसभा में विजय एक संकल्प रैली को संबोधित करेंगे और इसके बाद अंजार में सभा को संबोधित करेंगे, फिर जामनगर और राजकोट में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह खेरालू, सावली और भिलोड़ा और इसके साथ ही अहमदाबाद में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से अकेले सौराष्ट्र कच्छ में 54 सीटें आती हैं और 2017 विधानसभा चुनाव में पाटीदार आंदोलन के चलते बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था, उसके खाते में 23 सीटें आई थी। और वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी के मुकाबले अच्छा रहा था। कांग्रेस के इस इलाके से ही 54 में से 30 सीटों पर कब्जा किया गया था और 1 सीट जो थी वो अन्य के खाते में गई थी। वहीं इस बार आपने भी चुनावी ताल ठोक दी है और इसलिए सौराष्ट्र कक्ष में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार है। सभी सियासी दल सौराष्ट्र ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत कर अपनी जीत की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे और गुजरात में पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। वहीं आपको बता दें कि दोनों चरणों के मतगणना हिमाचल प्रदेश के साथ 8 दिसंबर को होगी। 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में आमतौर पर मुख्य लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रही है और इस बार आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। बहुमत के लिए 92 सीटों की है और 2017 में विधानसभा चुनाव में भाजपा को 99, कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, 6 सीटें निर्दलीय और अन्य के खाते में गई थी। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रहने वाले एक युवक को गुजरात एटीएस ने बीती देर रात गिरफ्तार कर लिया है। उसको अपने साथ लेकर गुजरात चली गई है। युवक पर आरोप लगा है कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई आपत्तिजनक ईमेल किया है। आरोपी युवक अमन सक्सेना के पिता का कहना है कि उसने IIT से पढ़ाई की है और अब मानसिक रूप से ठीक हो गया है और बदायूं के ही आदर्श नगर में रहने वाले आरोपी अमन सक्सेना के पिता सुभाष सक्सेना ने बताया है कि PMO को ईमेल भेजने में दिल्ली की एक लड़की तानिया भी शामिल है जो अमन की दोस्त है और अमन का मोबाइल तानिया नाम की लड़की के पास ही है। बता दें आपको कि अमन सक्सेना पहले भी लैपटॉप चोरी के मामले में पकड़ा जा चुका है और उस समय ही छात्र होने के नाते पुलिस ने लैपटॉप बरामद कर उसे छोड़ दिया था। उसके बाद भी उसकी गलतियां लगातार संदिग्ध रही हैं। बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक OP सिंह ने बताया है कि गुजरात से ATS की टीम आई थी और थाना सिविल लाइंस के मोहल्ला आदर्श नगर के रहने वाले अमन सक्सेना को पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गुजरात लेकर गई और पूछताछ के लिए लेकर गई उन्होंने गुजरात, उन्होंने बताया तो फिर कल देर रात ही ATS गुजरात से कुछ लोग आए थे और उनको बताया गया कि एक संदेहजनक एक्टिविटी में सिविल लाइन थाना क्षेत्र का अमन सक्सेना के लड़के से पूछताछ करनी है। बदायूं पुलिस ने लड़के तक पहुंचने में उनकी मदद की और वो अमन सक्सेना को पूछताछ के लिए ले अपने साथ गुजरात ले गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इंदौर में आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस बीच ही राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शनिवार देर शाम महू पहुंचे और यहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए सभी को संविधान की शपथ दिलवाई है। वहीं आपको बता दें कि यात्रा में साथ में चल रहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ छत्तीसगढ़ के ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
मोहन मरकाम भी यहां मौजूद हैं। स्थानीय प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य रखने के लिए 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी स्कूल कॉलेजों के मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसमें 12 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जिसमें खालसा कॉलेज, वैष्णव स्कूल, मच्छी बाजार में, दरगाह रोड पर एक साइड, सुभाष चौक, शिवाजी मार्केट, महाराज स्कूल पार्किंग और रिवर साइड रोड, जीपीओ के सामने, जिला कोर्ट के सामने कोठारी मार्केट, प्रेम सुख टॉकीज और खातीपुरा रोड पर ही दोनों साइड शामिल है। और इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा 3 बजे से चलने के साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपरोक्त मार्ग पर सभी तरह के आवाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब तिहाड़ जेल में है और आफताब का आज फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा सकता है। बता दें आपको कि इससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए 3 बार कोशिश की जा चुकी है, लेकिन टेस्ट पूरा नहीं हो सका। आफताब ने अपना शातिर दिमाग लगाकर टेस्ट को बीच में ही रुकवा दिया था। आपको बताते चलें कि टेस्ट के दौरान जानबूझकर बार बार खांसने लगता था और जिसके चलते ही टेस्ट को रोकना पड़ा था। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब ने कई अहम सवालों का जवाब नहीं दिया। आज फिर से उससे वो सवाल किए जा सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस लैब के ही असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव गुप्ता ने बताया है कि हमने आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा करने के लिए वीकेंड पर भी लैब खुली रखी थी। रविवार को हमें जांच टीम ने बताया कि उन्होंने तिहाड़ जेल से आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मंजूरी ले ली है। उम्मीद है कि उसे आज लैब लाया जाए। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफताब का नार्को टेस्ट भी होना है। नार्को टेस्ट के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और FSL के ही असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव गुप्ता ने बताया है कि हमने नार्को टेस्ट की सारी तैयारियां कर ली है। मंगलवार शाम को ही आफताब के नार्को टेस्ट का पहला सेशन किया जा सकता है। दूसरा सेशन बुधवार को किया जा सकता है। यदि आफताब की तबीयत खराब हो गई तो दूसरा और तीसरा सेशन गुरुवार और इसके साथ ही शुक्रवार को किया जा सकता है। शानदार रोड कनेक्टिविटी, सीवरेज और इसके साथ ही जल निकासी इंतजाम के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 प्रमुख परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। करीब 5 बजे कार्यक्रम स्थल वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के मंच से सीएम ने फ्लाईओवर, सीवरेज और जल निकासी और फोरलेन के बड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि 1822 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में ही सांसद रवि किशन, मेयर सीताराम और जायसवाल के साथ ही विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तो अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं एक है खजांची चौराहे पर 4 लेन का एक फ्लाईओवर। जब हम लोग बरकदमा से जाते थे जेल बाईपास मार्ग की तरफ सिटी की ओर, तो खजांची चौराहे पर जाम की समस्या वहां दिखाई देती है। गोरखपुर से अगर महाराजगंज और मेडिकल कॉलेज की तरफ जाना हो तो जाम में मरीज फंस जाते थे। अब वहां पर फ्लाईओवर भी हम लोगों ने दे दिया है, जिसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग के साथ साथ फ्लाईओवर निर्माण के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा इसके लिए खर्च हो रहा है और इसका भी कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न होना होने जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ गोरखपुर से हमारे संवाददाता धनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनेश, सीएम योगी ने परियोजनाओं की सौगात दी है, पूरा मामला क्या है? जी देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब तक जब भी आते हैं तो गोरखपुर को कुछ न कुछ सौगात देते हैं। उसी क्रम में उन्होंने कल जो है स्पोर्ट्स कॉलेज के मैदान से उन्होंने 1822 करोड़ के 4 मुख्य परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। महानगर के तर्ज पे जो है यहाँ जो रोड रिंग रोड है, रोड की चौड़ीकरण हो गया, सीवरेज का और नाले जो हो गए और फ्लाईओवर, इनमें मुख्य सारे जो महानगर तक एक एक कर उन्होंने सौगात देते जा रहे हैं। जो महानगर की तरह गोरखपुर भी चमके और हमेशा रोड कनेक्टिविटी और हर चीजों के लिए सुविधाएं जो महानगरों में जो सारी सुविधाएं मिले, गोरखपुर महानगरों की तरह चमके और दिखे, विकास की गंगा बढ़ती रहे, यहाँ किसी प्रकार की
लोगों को जो यहाँ पे आने जाने वाले जो विदेश विदेशों से जो आते हैं यहाँ पे देखने यहाँ पे और पर्यटक दृष्टि से जो आते हैं घूमने घामने, उनको भी किसी तरीके से दिक्कतें ना हो, सारी चीजें एक एक सुविधाएं यहाँ पे हर जगह को हर सुविधाएं जो है, विकास की गंगा पूरी तरह गोरखपुर में बह रही है। और जब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आते हैं कुछ न कुछ गोरखपुर वासियों को सौगात देते हैं, उसी क्रम में उन्होंने अभी जो सिविल प्लांट सड़क की चौड़ीकरण और जो जल निकासी सबसे बड़ी समस्या जो जल निकासी की थी उसको देखते हुए उन्होंने गैया नाला यहाँ पे जो प्रमुख नाले हैं वहाँ पे उसको बनाने के लिए जो लोकार्पण किया। चौड़ीकरण की बात करें तो सड़कों का जो महाजाल बिछा है गोरखपुर में उसी क्रम में चौड़ीकरण के लिए फ्लाईओवर जो दिक्कतें होती है लोगों को रोडों पे जाम रहते हैं उसके लिए फ्लाईओवर का भी उन्होंने लोकार्पण किया है। तो उसी क्रम में जो है जनता को जो गोरखपुर के आम जनमानस को किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, यहाँ पर्यटक स्थल जो बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो है विकास की गंगा बहा रहे हैं और एक तरह तरह की चीजें जो महानगरों में जो उपस्थित है वो गोरखपुर में होगी, जो पिछड़ेपन का शिकार रहा गोरखपुर जब सीएम योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री नहीं थे उसके बाद की जो देखा जाए तो तरह तरह के परियोजनाओं का यहाँ शिलान्यास कर रहे हैं, चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। जी धनेश, इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने चार प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, वो चार परियोजनाएं जो है वो क्या है, विस्तार से बताइए उनके बारे में। जी एक तो सबसे बड़ी जल निकासी की जो दिक्कतें थी, जल जमाव का यहाँ पे जो दिक्कतें थी उसके लिए उन्होंने गोरैया नाला यहाँ पे है, जो नाले का निर्माण हो जाएगा तो सारी जो गोरखपुर का जो जल जमाव की स्थिति है वो साफ हो जाएगी। और उसके बाद जो चौड़ीकरण सड़कें जो पकड़ी है यहाँ पे सड़कों का जो जाल बिछाया जा रहा उसमें उन्होंने सड़कों का भी चौड़ीकरण का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। और फ्लाईओवर जो जहाँ जो आवागमन ज्यादा है, जिस रोड पे दिक्कतें होती है जहाँ भीड़ ज्यादा लगते हैं और जो मेटर रोड जो बरगटवा जाते हैं वहाँ के लिए फ्लाईओवर का उन्होंने किया है। और जो बात देखा जाए चौड़ीकरण रोक जो है जल जमाव यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जल जमाव उसके लिए उन्होंने गोरैया नाला सिवरेज और चौड़ीकरण ये सारी चीजों को उन्होंने उसका लोकार्पण शिलान्यास 1822 को उन्होंने शिलान्यास किया है। आगे भी जो कुछ चीजें हैं जो गोरखपुर जो महानगर की तर्ज पे देखने के लिए बात कही जा रही है, गोरखपुर को महानगर जो अन्य महानगर है उसी की तर्ज पे गोरखपुर को भी बनाया जा रहा है, रोड अन्य चीजें भी जो भी है कि ताकि यहाँ जो पर्यटक स्थल जो बन रहे हैं पर्यटक स्थल है उनमें जो विदेश से लोग आ रहे हैं आप उनको कोई किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, जो गोरखपुर में आए तो सभी सुविधाएं मिल सके। उसी के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ ने 1822 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जी जी धनेश, जैसे कि तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे हैं और इसके साथ में मेयर भी मौजूद रहे हैं, और वहाँ पर सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए थे? जी बिल्कुल, सुरक्षा की बात की जाए तो एक दिन दो दिन पहले से सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं जो एसपी नाथ है वहाँ के और जो यहाँ के जिले के आला अधिकारी हैं तैयारियों से ही वो लोग लग गए थे कि किसी प्रकार की सुरक्षा में चूक ना हो पाए, सारी व्यवस्थाएं एकदम चाचा चौबन रहे, कहीं भी परिंदा ही पन्ना मार सके, सारी सुविधाएं जो है वहाँ पे कई टुकड़ियां जो है वहाँ पे सुरक्षा में लगी हुई थी, कोई भी प्रकार की कोई दिक्कतें ना आए। कार्यक्रम में जो आने वाले लोग हैं या सीएम योगी आदित्यनाथ के पर सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो जाए तो उसमें सभी आला अधिकारी पहले से ही जगहों का निरीक्षण करते रहे और किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना आ पाए। जी धनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। शादी समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रहे बारातियां अनियंत्रित इको कार जो है वो टकरा गई थी और मौके पर 15 लोग जख्मी हो गए जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पर पहुंची इलाके की पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया है, एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। पूरा मामला थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सम्राट लॉज का है और कार ड्राइवर मौके से फरार हो चुका है। मृतक बच्चे का पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें अलीगढ़ से खबर है जहां पर अनियंत्रित इको कार टकराई है और हादसे में एक बच्चे की मौत भी बताई जा रही है और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बता दें आपको कि हादसे के वक्त भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद रहे और भीड़ इकट्ठा हो गई जिसके बाद आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहाँ पर एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है।
तो आपको बता दें अलीगढ़ से खबर है जहां पर हादसे में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। बताते चले आपको कि बारातियों की ये जो गाड़ी थी वो आ रही थी, उसी समय ये हादसा हुआ है। शादी समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे बाराती और अनियंत्रित इको कार जब है हादसे में टकराई है। आपको बता दें कि मौके पर 15 लोग जख्मी हो गए हैं जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और घटना की सूचना पर पहुंची इलाके की पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया है और एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। पूरा मामला आपको बता दें कहाँ से है। दरअसल पूरा मामला बन्ना देवी क्षेत्र के स्मार्ट लॉज का है और कार ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार बताया जा रहा है। मृतक बच्चे का पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्रवाई जो है वो की जाएगी। मेरा नाम जावेद है। जी, मृत्यु ये कौन है? जिंद्रा भतीजा। क्या नाम है इनका? इसका नाम गुल्लू है। कैसे मृत्यु हुई, क्या हुआ था? ये कल हम शादी में आए थे सम्राट लॉज में, हमारे भाई की बारात आई हुई थी तो वहाँ से हम रात को रुक जा रहे थे, जाने की तैयारी कर रहे थे तो इतने में एक गाड़ी आई इको, उसने आन के आंधी तूंधी की तरह से वो गाड़ी आई थी और उसने आन के धुआं उड़ा दिया सबको। करीब कितने लोग थे? जो करीब करीब 15 लोग थे उसमें, जख्मी जो ज़्यादा जख्मी है वो करीब 6 लोग हैं और जो हल्के फुल्के जख्मी है वो 15 लोग हैं कम से कम। और इसी खबर पर हमारे साथ अलीगढ़ से आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि थाना बन्ना देवी क्षेत्र स्थित जो सम्राट लॉज है वहाँ पर कुछ जो बाराती जो है बारात में शामिल होने के लिए आए हुए थे, शामिल होने के बाद जो वो घर जाने के लिए लॉज से बाहर निकले थे, इतने में एक अनियंत्रित इको कार जो है उनसे टकराई। मौके पर जो है एक दर्जन भर से ऊपर के लोग जो है घायल हो गए जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर ही एक बच्चे की जो है तत्काल वहीं पर मृत्यु हो गई जिसकी घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जो घायल थे उनको इलाज के लिए भेज दिया गया। जिस मृत्यु हुई उस बच्चे की उसका जो है पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई की जा रही थी। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो कार चालक जो था वो मौके से फरार हो गया है, उसकी तलाश जारी है। जी आकाश, ये हादसा कितने बजे हुआ इसके बारे में कुछ जानकारी सामने आ पाई है? बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि शादी के देर शाम का ये घटना है, करीब 8 बजे के बाद की। जो शादी में शामिल होने के लिए जो बाराती आए हुए थे, बाराती बस घर जाने के लिए निकल ही रहे थे कि एक अनियंत्रित कार ने जो है उनमें टक्कर मार दी। जी आकाश, जो घायल है उनके हालात अभी किस तरह के हैं? बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एक दर्जन से ऊपर के लोग जो है वहां पर घायल हो गए थे, जिनका 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनको जो है जिला अस्पताल से जो है जैन मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया था। इनकी स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है, इलाज अभी उनका चल रहा है। जी आकाश, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? जैसा कि मौके पर जो घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को हुई तो तत्काल वहां पुलिस पहुंच गई, पुलिस ने जो है कार को अपने कब्जे में ले लिया है। कार चालक मौके से फरार हो गया, उसकी तलाश की जा रही है और जो भी जो घायल है उनकी तरफ से जो तहरीर की जा रही है उसके आधार पर कार्रवाई करने की बात पुलिस ने कही है। जी आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। बिजनौर में 23 नवंबर को कृष्णा कॉलेज के पास शासक नाम के युवक की 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या कर सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद फरार बदमाशों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन के भीतर पुलिस ने दोनों बदमाश को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। राहन, आपको बता दें कि रोहन ने अपने साथी यश के साथ मिलकर ही कॉलेज में सहपाठियों के बीच अपमानित शब्द से गुस्से होकर ही रंजिश करने में शामिल हत्या को अंजाम दिया है। और बताते चले कि 23 नवंबर की शाम लगभग 5 बजे झालू निवासी बीबीए का छात्र शासिक कृष्ण कॉलेज पर मौजूद था और इसी दौरान शासिक के साथ पढ़ने वाले रोहन ने अपने साथी यश को लेकर योजना बनाई और शामिक को दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया था। खुलेआम सड़क पर चली गोलियों से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। आनन फानन में बिजनौर के एसपी दिनेश सिंह और तमाम आला अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही रोहन को नामजद किया गया था और जबकि रोहन का दूसरा साथी यश कोई
पता नहीं चल पा रहा था और जिससे पुलिस कई टीमें जो है वो दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए जिले भर की खाक छान रही थी। और आज पुलिस ने 3 दिन के भीतर ही दोनों बदमाशों को झालू मार्ग पर मौजूद काली के मंदिर के पास से ही मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। SP दिनेश सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया है कि रोहन विकृत मानसिकता का छात्र है जिसने अपने साथी यश को लेकर वारदात को अंजाम दिया था। अचानक हुई शामिक की हत्या का कारण है जो जानने के लिए जिले भर के लोग प्रतीक्षा में थे। अपमानित शब्द को लेकर दोनों बदमाशों ने शामिक की हत्या की थी और गिरफ्तारी दोनों बदमाशों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। कृष्णा कॉलेज के गेट पर एक बड़ी सनसनीखेज घटना हुई जिसमें कि करीब 15:40 पर दो अज्ञात मोटरसाइकिल पर बैठे हुए लोगों ने शामिक नामक छात्र की गोली मार के हत्या कर दी। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मैंने तत्काल टीमें सक्रिय की। इसमें CCTV फुटेज के आधार पर यश नामक एक व्यक्ति के विरुद्ध और एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध FIR पंजीकृत हुई थी। सारी टीमें तत्काल सक्रिय की गई। 25:26 की रात ये दोनों एक अभियुक्त यश की गिरफ्तारी, उसके साथ दूसरा अभियुक्त रोहन भी गिरफ्तार हुआ और पूछताछ पर उन्होंने संस्वीकृति करते हुए बताया, एक बालिया बयान देते हुए बताया कि छात्र छात्राओं के बीच में मृतक के द्वारा अभियुक्त रोहन के साथ कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की गई थी जिससे क्षुब्ध होकर शाहजहांपुर जेल में संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया और विशाल विधिक सहायक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन श्री हितेश अग्रवाल रहे। कार्यक्रम में बाहर से आए वक्तागण और सभी अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों और स्टाफ इसके साथ ही बंदियों ने भाग लिया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि और जेल अधीक्षक द्वारा सभी को संविधान की उद्देशित की शपथ दिलाकर किया गया। आपको बता दें कि तदुपरांत बंदी वक्ता कामराज, बाहर से आए पैनल अधिवक्ता सौरभ शुक्ला और इसके साथ ही साजिदा परवीन, मासूम अली अंसारी और जेल के अधीक्षक मिजाजी लाल और मुख्य अतिथि सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल द्वारा संविधान की आवश्यकता, संविधान सभा निर्माण, मुख्य प्रावधान, स्रोत, संविधान का विकास और संशोधन आदि का विचार रखे गए। और आपको बता दें कि वक्ताओं द्वारा बताया गया कि संविधान की आत्मा पवित्र है और हमें भी उसी पवित्र आस्था के साथ ही उसका पालन और अनुसरण करना चाहिए। बंदियों को कानून का पालन करते हुए अपराध से विरत रहकर देश के विकास में योगदान करने का आह्वान किया गया। जेल अधीक्षक मिजाजी लाल द्वारा मुख्य अतिथि और आमंत्रित वक्तागण को धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। आज कारागार में सर्दी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री बीरेन पाल सिंह के द्वारा 200 कंबलों का गरीब बंदियों में वितरण किया गया। इस अवसर पर श्री आनंद अग्रवाल और अन्य लोग मौजूद रहे। दूसरे कार्यक्रम में जय भगवान जी संगठन के द्वारा सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूजनीय गुरु माता, गुरु दीदी तो शाहजहांपुर से खबर है जहां पर शाहजहांपुर जेल में संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया और विशाल विधिक सहायक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सिविल जज सीनियर और इसके साथ ही डिवीजन हितेश अग्रवाल यहां पर मौजूद रहे। आपको बताते चले कि कार्यक्रम में ही बाहर से आए वक्तागण और सभी अधिकारी जो रहे वहां पर मौजूद रहे और इसके साथ ही चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ और बंदियों ने भाग लिया कार्यक्रम में। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि और जेल अधीक्षक द्वारा सभी को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाकर किया गया।
आपको बता दें कि तदुपरांत बंदी वक्ता कामराज बाहर से आए और पैनल अधिवक्ता और सौरभ शुक्ला और इसके साथ ही साजदा परवीन, मासूम अली अंसारी, जेल अधीक्षक मिजाजी लाल और मुख्य अतिथि सिविल जज सीनियर डिवीजन और हितेश अग्रवाल द्वारा संविधान की आवश्यकता, संविधान सभा निर्माण, मुख्य प्रावधान, स्रोत और संविधान का विकास, संशोधन आदि पर विचार रखे गए। प्रवक्ताओं द्वारा ही बताया गया कि संविधान की आत्मा पवित्र है और हमें भी उसी पवित्र आस्था के साथ उसका पालन और अनुसरण करना चाहिए। बंदियों को कानून का पालन करते हुए अपराध से विरत रहकर देश के विकास में योगदान करने का आह्वान किया गया। जेल अधीक्षक मिजाजी लाल द्वारा मुख्य अतिथि और आमंत्रित वक्तागण को धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। तो आपको शाहजहांपुर से खबर बता रहे हैं जहाँ पर संविधान के उद्देश्य पर ही कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें कि संविधान दिवस पर संगोष्ठी का ये आयोजन हुआ जिसमें कई महिलाएं और पुरुषों ने भाग लिया है। आपको बता दें जहां पर नौजवानों को याद किया गया, शहीदों को याद किया गया और इसके साथ ही यहां पर भारी संख्या में महिला और पुरुष मौजूद रहे हैं। तो आपको बताते चले संविधान दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ है और इस आयोजन में महिलाएं झूमती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं और इसके साथ ही महिलाओं ने उत्साह के साथ आयोजन में भाग लिया है और यही नहीं पुरुष भी इस आयोजन में शामिल हुए हैं। आपको बता रहे हैं शाहजहां जेल में संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया जहाँ पर विशाल विधिक सहायक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल रहे। कार्यक्रम से बाहर से आए वक्तागण, सभी अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ और बंदियों ने भाग लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।